हेलो दोस्तों, वेलकम बैक पतंजलि जाग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, वो भी क्रोम ब्राउज़र पर। बट उससे पहले कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, ध्यान से देखना। और रिकॉर्डिंग लैंडस्केप मोड में होगी तो अलर्ट हो जाओ। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। सबसे पहले YT स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिए और सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड डिफॉल्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपलोड डिफॉल्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपने डिस्क्रिप्शन को लिख लें यहाँ से, या फिर आप इसे कॉपी या पेस्ट कर दें नोट्स में लिख कर। आपके फ़ोन में आपका नोट्स एप्लीकेशन होगा, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखकर कॉपी करें और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद सिंपल सा आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं जानते कि टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं तो YouTube पर सर्च कर सीख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सेव करने के बाद अब आपको ऊपर में अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। अपलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। ये आपको अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। तो अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अपने फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमारा मेन काम यहीं से शुरू होता है, तो वीडियो यहाँ से पूरा देखो, ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल हम नोट्स से कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा टाइटल है, तो टाइटल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसे यहाँ से ब्लैंक कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब इसे खाली कर देते हैं। हमने ऑलरेडी अपना डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग्स वगैरह लिख करके रखा हुआ है नोट्स में। आपके पास नोट्स एप्लीकेशन होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन लिख करके डायरेक्ट आप कॉपी और पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने टाइटल को लिख लिया, ठीक है। टाइटल हम कॉपी और पेस्ट करने के बाद अब डिस्क्रिप्शन हम पहले से ऐड है हमारा, बट कुछ कीवर्ड्स हमको इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उस कीवर्ड्स को ऐड कर देते हैं। 1, 2, 3 करके टैग्स टाइप का जो होता है उसे हम ऐड कर देते हैं। अब हम अपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड को लिख चुके हैं, कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। अब बात आती है हमारे थंबनेल्स की। तो अब हम अपने वीडियोस के थंबनेल्स सेट करेंगे अपने वीडियोस में। तो सबसे पहले क्रिएट जो अपलोड थंबनेल्स का ऑप्शन है वहाँ पर इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। इमेज सेलेक्ट करने के बाद थंबनेल ऐड हो जाएगा। थंबनेल ऐड हो जाने के बाद आप यहाँ से प्लेलिस्ट को एडिट कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं नया प्लेलिस्ट। उसके बाद ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे तो अब बारी आ जाती है टैग्स लिखने की। आप चाहे तो यहीं पर टैग्स लिख सकते हैं, बट मैं टैग्स लिखूंगा एप्लीकेशन की मदद से। तो ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है लगभग, आप चाहे तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको अपने वीडियोस के एंड स्क्रीन और कार्ड्स को सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा वीडियो एलिमेंट्स का स्टेप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे एंड स्क्रीन। तो एंड स्क्रीन लगा देते हैं। तो सिंपली आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही एंड स्क्रीन को लगा सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से आप अपने वीडियोस में एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियोस में एंड स्क्रीन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने एंड स्क्रीन को लगा चुके हैं। उसके बाद अब हम कार्ड्स को ऐड करेंगे। तो कार्ड्स को चलिए हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। कार्ड्स को ऐड करने के बाद इसे हम सेव कर देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कार्ड्स को ऐड कर लेते हैं।
तो हमने यहाँ पर कार्ड्स भी ऐड कर लिए हैं। अब हमारा जो एंड स्क्रीन और ऐड कार्ड्स का ऑप्शन था, ये दोनों के दोनों ऑप्शन टिक लग चुका है, यानी कि हमने कंप्लीट कर लिए है। आपको ऊपर में एक और दिखेगा ऑप्शन जो कि है सब टाइटल ऐड करने का। तो सब टाइटल आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, नहीं तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, हमारी वीडियो आ रही है इसी टॉपिक पर अलग से। तो लगभग आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि चेक्स का जो ऑप्शन है वो आपके सामने शो करेगा। चेक्स में होता कुछ नहीं है, अगर आपके वीडियोस में कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर आपको शो करेगा, कोई कॉपीराइट वगैरह होगा या फिर एज रिस्ट्रिक्शन वाली बात होगी तो यहाँ पर शो करेगा। अगर आपके वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप यहां से अपने वीडियोस को पब्लिश कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक करना चाहें तो सिंपली पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक कर पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप शेड्यूल करना चाहें तो शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर और अपने वीडियोस को शेड्यूल कर लीजिए कि आप अपने वीडियोस को कब पब्लिश करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए मैं अपने वीडियोज़ में सबटाइटल तो ऐड करना ही है हमें, बाद में वो हम ऐड करेंगे, टैग्स भी हम अपने वीडियोज़ में बाद में लगाएंगे, और अभी हम अपने वीडियोज़ को करने जा रहे हैं शेड्यूल। तो चलिए हम अपने वीडियोस को शेड्यूल में कर देते हैं। तो अब हमारी वीडियोस पब्लिश हो चुकी है। हमारी वीडियो पब्लिश होने के बाद आप इसे शेयर कर सकते हैं, आप यहां से देख सकते हैं। अब टैग्स लगाने के लिए हमें एप्लीकेशन की मदद लेना होगा और एप्लीकेशन पर जाना होगा, और आपको इस वीडियो पर जाना होगा तभी आप अपने वीडियो में टैग लगा सकते हैं। तो जल्दी से जाइए उस वीडियो पर क्लिक कीजिए। तो कैसी लगी जानकारी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।